हाय गाइस, तो आज मैं मम्माज डे आउट करने जा रही हूँ। मतलब बड़े दिनों से मैं और मम्मी कहीं बाहर नहीं गए थे। हमेशा क्या होता है, मैं बस अपने घर से चली जाती हूँ, मम्मा के पास बैठ जाती हूँ, वहाँ डेरा जमा के, और मम्मा मेरी सेवा करती रहती है, खिलाती पिलाती रहती है। तो मैंने सोचा चलो मम्मा को भी थोड़ी आउटिंग कराई जाए, थोड़ा सा चेंज हो जाए। और हमारी आउटिंग बड़ी सिंपल होती है, बड़ी ऑर्डिनरी होती है। ज्यादा से ज्यादा हम कहीं लोकल मार्केट जाते हैं, कुछ हल्का फुल्का खाते हैं, बस ऐसे ही इंजॉय करते हैं। और मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने मम्मा को बोला कि पास में ही रहती हैं, आप लोग जानते हैं, कि मेरे घर के पास आ जाइए, हम लोग चलेंगे। और मम्मा आ गई हैं और बैठी हैं। मम्मा देखो इधर। बस तो फिर जो है मैंने सोचा कि चलो चले मम्मा, आज बड़े दिनों बाद जा रहे हैं ना हम लोग। बहुत दिनों बाद जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है। हाँ वही ना, क्या होता है कि हम लोग लाइफ में अपनी इतनी बिजी हो जाते हैं कि मम्मी लोगों को टाइम नहीं दे पाते हैं। अपने बच्चों में भी बिजी हो जाते हैं, अपना काम भी होता है साथ में, घर ये वो सब चीजें करते करते जो है कई बार ऐसा होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ, प्रॉमिस तो नहीं हमेशा करती लेकिन कोशिश करती हूँ कि जब कभी टाइम मिले तो कभी कभार जो है हम लोग दोनों अकेले बाहर जाए, मतलब बस मैं और मम्मा। आई होप यू एंजॉय दिस व्लॉग, लेट्स गो। आफ्टरनून हो गया था फ्रेंड्स, और पेट पूजा करने का टाइम हो गया था, भूख भी लग गई थी, इसलिए सबसे पहले हम लोग पेट पूजा करने निकले। श्रीजीज करके एक रेस्टोरेंट है पास में, वहाँ गए। तो मामा ने चूज़ किया क्रिस्प मसाला डोसा, जो कि कह रही थी उन्होंने काफ़ी टाइम से नहीं खाया है। और मैंने ली डिप हुई हुई इडली, मतलब सांभर में डूबी इडली, और ये थोड़ी सी कटी नज़र आ रही है ना, एक्चुअली जैसे आई मैंने फटाफट एक बाइट खा ली, फिर याद आया आपको तो दिखाया ही नहीं मैंने। ये डिप हुई हुई सांभर में इडली मुझे इतनी पसंद है कि क्या बताऊं। एक्चुअली फ्रेंड्स, मम्मा थोड़ा सा कैमरा कॉन्शियस हो रही है। मम्मा को लग रहा है कि बहुत संभल संभल के बोल रही है, उनको लग रहा है कि मैं मतलब ठीक लग रही हूँ कि नहीं। ऑब्वियसली हम सबको ही लगता है ये चीज। और अभी जो है वैसे मैं मम्मा के साथ और भी आगे ब्लॉग करने वाली हूँ, मुझे इनका मेकओवर भी करना है, और ये अपनी भी इंस्पिरेशनल स्टोरी आगे जाके शेयर करने वाली हैं। ओके, सो अब कहाँ चले? मैं सोच रही हूँ मैं अपने जो ब्लाउज पीसेस लेने ना वो लेने चलते हैं, है ना? ठीक है, मेरी उम्र, हाँ उधर ही देख लेते हैं, और भी शॉप्स हैं काफी, तो देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं, जो बॉम्बे में रहते हैं उन्हें पता होगा मनीष पार्क के चार बंगला मार्केट बहुत फेमस है। तो अब क्या हो गया, ब्लाउजेस का थोड़ा स्टाइल चेंज करने का टाइम आ गया। बहुत टाइम से मैं एक्चुअली बहुत सारे इकट्ठे ब्लाउजेस थे वही पहन रही थी मिक्स एंड मैच करके, लेकिन अभी थोड़ा स्टाइल भी चेंज करना है और थोड़ा कुछ कलर फैब्रिक भी डिफरेंट चाहिए। तो चलिए थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं। तो हम निकल पड़े शॉपिंग की तरफ, और रास्ते में बहुत सारे गणपति केंद्र दिखे फ्रेंड्स, जहाँ पर गणपति मिलते हैं क्योंकि गणपति आने वाले हैं। ये ब्लाउज पीसेस कुछ मैंने लिए हैं फ्रेंड्स, अब आगे साड़ीज के साथ कैसे कंबाइन करके पहनूंगी ये भी आपको वीडियो में दिखाऊंगी। मोस्टली कॉटन लिए हैं, मौसम के हिसाब से बॉम्बे में ह्यूमिडिटी भी काफ़ी होती है, इसलिए तो मैं मिक्स एंड मैच करके पहनती हूँ और आपको सब दिखाऊंगी। ये वाला भी लिया मैंने, ये ब्राइट येलो बहुत प्यारा लगा मुझे। बाहर शॉपिंग करने जाओ और रोड साइड ज्वेलरी ना खरीदी जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अभी ये ज्वेलरी भी आपको अक्सर दिखेगी, बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस में मिली मुझे, कुछ 100 रुपये में, कुछ 150 रुपये में, बड़ा मज़ा आया। हाय फ्रेंड्स, तो अभी जो है मैं अपने होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आई हूँ। मैं उनसे कुछ ट्रीटमेंट्स वगैरह, अगर छोटा मोटा कुछ भी होता है ना, जैसे कोल्ड होता है, गले में खराश होती है, या कभी स्किन में लगे कुछ है, तो मैं उनसे ट्रीटमेंट लेती हूँ। आई बिलीव इन होम्योपैथी, मेरा पर्सनल है, वो बड़े सालों पुराने हैं। तो मैं और मम्मा वेट कर रहे हैं, इतने अच्छे डॉक्टर हैं। एक्चुअली वो 5 बजे आते हैं, शाम के 5 बजने वाले हैं, और 4 बजे से ही लाइन लगनी शुरू हो जाती है। तो हम गाड़ी में बैठे हुए, हमारा पहला नंबर है, आज जल्दी आ जाएगा। और ये देखिए मैं क्या देख रही हूँ अपने फ़ोन पर, अभी अभी अपलोड हुआ है मेरा वीडियो, चार्ज की आवाज़ भी आपको आ रही होगी, तो आवाज़ धीरी कर देती हूँ, आपको डिस्टर्ब ना करें। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, माय बोटॉक्स स्टोरी, माय बोटॉक्स कन्फेशन, आई वुड लाइक टू से दैट, और आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू शेयर दिस ट्रू स्टोरी। इसका भी लिंक मैं या तो ऊपर अटैच करूँगी या नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। मम्मा आप कुछ बोलो। कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत
अच्छा लग रहा है पूरा दिन तुम्हारे साथ इतना टाइम नहीं मिलता तुम्हें। हाँ सही बात है, टाइम नहीं मिलता और मिलता भी तो हम लोग घर पे बैठ रहे थे, आज थोड़ा बाहर निकले तो अच्छा लग रहा है ना। ओके गाइस, तो मैं भी बोलूंगी सब गर्ल्स अपनी मॉमीज को कहीं लेके जाओ बाहर घुमाने, टाइम निकालो। ओके एंड वॉच माई वीडियो। सो आई गॉट माई होम्योपैथिक मेडिसिन एंड 4:45 हो गए हैं। मम्मा कॉफी पीने चले क्या? कॉफी का टाइम तो हो ही गया आज, इनफैक्ट मेरा मिस हो गया है आज तो कॉफी पी जाएगी। चलिए चलते हैं, हम मैकडॉनल्ड्स है आगे रास्ते में, वहीं रुक जाएंगे, घर के पास भी है थोड़ा, वहीं रुक जाते हैं, फिर ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा इतना। ओके गाइस कम लेट्स हैव कॉफी टुगेदर। तो जी चल पड़े हैं हम कॉफ़ी पीने के लिए, ये मेट्रो के ब्रिज के नीचे से जा रहे थे और पास में एक मॉल है वहाँ पर जो है मैकडॉनल्ड्स है, तो हमने सोचा चलिए वहीं कॉफ़ी पी लेते हैं। मम्मा की स्माइल कितनी प्यारी है ना, बस हमने एक मफिन मंगाया, आधा आधा शेयर किया और दोनों ने कैपुचिनो पी ली। ओके गाइस सो फाइनली शाम हो चुकी है, कॉफी हो चुकी है, आई होप मम्मा डे आउट आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हम घर जा रहे हैं, मम्मा को ड्रॉप करूंगी, घर जाऊंगी, आरव आ गया होगा स्कूल से एंड आई एम जस्ट इंस्पायरिंग ऑल द यंग गर्ल्स कि आप भी अपनी मम्मा के लिए टाइम निकालो और उन्हें कहीं लेके जाओ घुमाने, देखो कितना मजा आएगा। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको अच्छा लगा ना मम्मा सच में? बहुत अच्छा। ओके बाय 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 कर दे सबको।